आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर चैप्टर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंडेक्स नंबर चैप्टर। इंडेक्स नंबर चैप्टर को बच्चों ढंग से समझते हैं क्या होता है इंडेक्स नंबर चैप्टर के बारे में। देखो जी, इंडेक्स नंबर में दो तरह का डिवीजन होता है। एक होता है इंडेक्स नंबर में अनवेटेड और एक क्या होता है वेटेड। इंडेक्स नंबर को अगर हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है अनवेटेड और एक क्या होता है वेटेड। लास्ट में निकाल 238। देखो देखो, इंडेक्स नंबर में जो फॉर्मूले हैं, मेरी बुक में पेज नंबर दिए हुए 30 पे, पेज नंबर 330 पे, 330 पेज पे फॉर्मूले दिए हुए। देखो जी, इंडेक्स नंबर में दो तरह का आता है कंसेप्ट। एक होता है अनवेटेड, एक क्या होता है अनवेटेड और एक क्या होता है बच्चों वेटेड। एक है अनवेटेड और एक क्या होता है वेटेड होता है इंडेक्स नंबर में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनवेटेड की, ठीक है जी। ये सिर्फ एक एक नंबर के आता है अनवेटेड। मेन तो इस चैप्टर में आना है लेस पे, पैसेज और फिशर्स। फिर भी मैं आपको एक सेफ्टी के लिए बता दूं, देखो अनवेटेड में एक होता है बच्चों मेथड, जिनके आप बुक का पेज 330 है मेरी। अनवेटेड में एक वर्ड आता है सिंपल एग्रीगेटिव। क्या वर्ड आता है? सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखना, इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं P01 से। याद रखना, इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं P01 से। यहाँ पे जीरो का मतलब होता है बेस ईयर, वन का मतलब होता है करंट ईयर। जीरो का मतलब बेस ईयर, वन का मतलब क्या होता है करंट ईयर। P01 से डिनोट करते हैं। एक होता है अनवेटेड और एक क्या होता है वेटेड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनवेटेड में, सबसे पहला मेथड आता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या आता है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव में फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स नंबर का, डिनोट करते हैं P01 से। फॉर्मूला क्या होता है इस पूरे चैप्टर में हमेशा याद रखना, इस पूरे चैप्टर में हमेशा याद रखना, P1 ऊपर आता है P0 नीचे। इस पूरे चैप्टर में हमेशा याद रखना बच्चों, P1 ऊपर आता है P0 नीचे। तो समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इनटू 100। सिंपल एग्रीगेटिव का मतलब क्या, सिंपल एग्रीगेट कर लो। P1 का मतलब करंट ईयर प्राइस का एग्रीगेट कर दो, P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस का एग्रीगेट कर दो। ये होता है, कुछ किया समझ आ गया, सिंपल। नेक्स्ट आता है सिंपल एवरेज। क्या वर्ड आता है? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, याद रखना प्राइस रिलेटिव को कई बुक्स के अंदर आर से भी डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आर से। अब बताओ इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? P01। तो फॉर्मूला क्या होगा? कहते हैं प्राइस रिलेटिव का एवरेज करो। तो प्राइस रिलेटिव हम निकालते कैसे हैं, याद रखना बच्चों, प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं? P1 अपॉन P0 इनटू 100 अपॉन N। सर इस फॉर्मूले और इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पहले P1 का टोटल लिया, फिर P0 का टोटल लिया, उससे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या है, हमें हर स्टेप में P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना पड़ेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये होता है अनवेटेड। ये कौन सा होता है? अनवेटेड। समझ आ गया? अनवेटेड में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, वेटेड की। देखो ये था मेरा कौन सा कंसेप्ट, अनवेटेड। फोन रख। देखो जी अब अनवेटेड, और मुझे अगर क्वेश्चन में वेट, ये वैसे कम आते हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो अगर वेट गिवन है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, वेट गिवन है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आर डब्ल्यू अपॉन वेट। आर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, आर का मतलब क्या होता है, P1 अपॉन P0 इनटू 100, ठीक है नहीं, याद रखना। और वेट, अगर वेट ना गिवन हो तो वेट कैसे निकालते हैं,
वेट कैसे निकालते हैं, बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी। ये तो बेसिक चीजें थी। अब मेन हम जो पेपर में आएगा हमारा वो ये आएगा, हमारे पेपर में जो आएगा वो ये आएगा। अब हम उसे समझते हैं टॉपिक को, ये एक एक नंबर में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। देखो बच्चों, जो अब पेपर में आना है वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी कहते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें तीन हमें पढ़ने पड़ेंगे वेटेड एग्रीगेटिव में। एक कौन सा पढ़ेंगे, लेस स्पेस मेथड। कौन सा मेथड आता है, लेस स्पेस मेथड। एक कौन सा मेथड है, लेस स्पेस मेथड। एक कौन सा है, पैशेस मेथड। कौन सा मेथड है, पैशेस। और एक कौन सा मेथड है, फिशर्स मेथड है। तीन तरह के मेथड होते हैं, लेस्पे, पैशेस और फिशर्स। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या एक चीज बताई थी पूरे चैप्टर में, हमेशा P1 अपॉन P0 करना। P1 का मतलब करंट ईयर प्राइस, P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस, ठीक है नहीं। देखो भाई, लेस पे पैशेस और क्या है, फिशेस। लेस पे पैशेस और फिशेस, मैंने P1 अपॉन P0, P1 का मतलब करंट ईयर प्राइस, P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस। अब मैंने याद करने का तरीका बताया था, अल्फाबेट होते हैं, एक होता है एल्फ अल्फाबेट और एक होता है पी अल्फाबेट। बताओ कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, एल वाला पी वाला, एल वाला। तो जो अल्फाबेट पहले आता है उसे पहले की क्वांटिटी से इंटू करो। पहले की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, Q0 Q0, यानी बेस ईयर क्वांटिटी बेस ईयर क्वांटिटी। पी बाद में आता है तो इसे बाद की क्वांटिटी से इंटू करो। बाद की क्वांटिटी क्या होती है, Q1 Q1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। यहाँ पे क्या लगा दिया, समीशन। यहाँ पे क्या लगा दिया, समीशन इंटू 100। यहाँ पे क्या लगा दिया, समीशन। यहाँ पे क्या लगा दिया, समीशन इंटू 100। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है नहीं। अब कोरिलेशन निकाल दे। देखो जी, एक मेथड कौन सा होता है, फिशर मेथड होता है। एक क्या होता है, फिशर मेथड होता है। फिशर मेथड में हम क्या करते हैं, लेस्पे और पैशेस को क्या करते हैं, इनटू करते हैं, ठीक है नहीं। अब देखो जी, एल इनटू क्या करते हैं, पी, और बार क्या रहता है, इनटू 100 करते हैं। तो देखो जी, फॉर्मूला बन जाता है समीशन ऑफ P1 Q0, समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ये बन गया फॉर्मूला फिशर्स का। अब देखो, तुम अगर इसे सोल्व करने बैठो तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी अंडर रूट। तो इसका जुगाड़ ये होता है, आप फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट कर दो। हमेशा क्या करो, फॉर्मूला L+P/2 कर दो, वही आंसर निकले, L+P/2। इसमें कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब टीचर हमसे पंगे लेने लग देंगे। टीचर्स क्या करती हैं, आज की डेट में हमें क्वेश्चन में ना डायरेक्ट नहीं दे रही, क्वेश्चन में दे देती है हमें टोटल वैल्यू या टोटल एक्सपेंडिचर दे देंगी या वेट कह देगी, ठीक है नहीं। तो याद रखना, वो किसका इंटू होता है, P × Q का। किसका इंटू होता है, P × Q। अगर बेस ईयर दिया हो लिखो, अगर क्वेश्चन में लिखा हो बेस ईयर टोटल वैल्यू, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, P0 × Q0। ये क्या दिया हुआ है, P0 × Q0 दिया हुआ है। और अगर लिखा हो करंट ईयर, तो वो क्या दिया होगा, P1 × Q1 दिया। हमें कई बार ऐसे वर्ड भी दे देती है टीचर, तो एक सेफ्टी के लिए आपको बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसमें ये पॉइंट भी आया। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ करेंगे सारे बच्चे, करेंगे ना, यस सर। तो आप लोग करें मेरे साथ। पहला क्वेश्चन, लेस पे पैशेस एंड फिशर्स का। ये क्वेश्चन 6 नंबर से कम का नहीं आता,
और फ्री के नंबर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फ्री के नंबर है, 6 नंबर। देखो बच्चों, फ्री के नंबर हम छोड़ेंगे तो नहीं, तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, जल्दी से करें मेरे साथ साथ। क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी डी, क्या दिया हुआ है ए बी सी डी और 2010 और क्या दिया हुआ है 2015, 2010 और 2015 के बारे में दिया हुआ है। तो बताओ 2010 और 15 दिया हुआ है, 2010 क्या बन जाएगा मेरा बेस ईयर, पेपर में नहीं लिखा होगा, हमें खुद बताना होगा क्या बन जाएगा बेस ईयर प्राइस, और ये क्या बन जाएगा करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर बन जाएगा और ये बेस ईयर बन जाएगा। अब अगर इसका जो प्राइस दिया होगा, इसकी जो क्वांटिटी दी होगी, तो ये क्या बन जाएगी पी जीरो और ये क्या बन जाएगी क्यू जीरो। इसका जो प्राइस दिया होगा वो मेरा क्या बन जाएगा पी वन, इसकी जो क्वांटिटी दी होगी वो क्या बन जाएगी क्यू वन। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो जी कितना कितना दिया हुआ है, 4532, क्या दी होगी 4532, ये कितनी है 20 10 8 10, ये कितनी होगी 6442, और ये दी होगी 38650। ठीक है जी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको पता है लेस पे पैसे फिशर से करना है इस क्वेश्चन को, तो जब भी लेस पे पैसे फिशर से करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा बताओ जी, क्या चाहिए होगा सबसे पहले पी वन इंटू क्यू जीरो, पी वन इंटू क्यू जीरो, पी जीरो इंटू क्यू जीरो, पी वन इंटू क्यू वन, पी जीरो इंटू क्यू वन, ये सारी चीजें मेरे को चाहिए होंगी, चार चीजें। तो फटाफट निकालेंगे, निकाल के उनका क्या करना है, सबका सबमिशन भी चाहिए, सबका क्या चाहिए सबमिशन। ठीक है जी, इन सब का क्या चाहिए समीशन। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले P1 into Q0, बताओ P1 into Q0 कितना हो गया 6 into 20, P1 into Q0 कितना हो गया 6 into 20 कितना हो गया 120, 4 into 10 40, 4 into 8 32, 2 into 10 20, निकाल लिया जी मैंने, यस सर निकाल लिया। अच्छा P0 into Q0, P0 into Q0, 4 into 20 कितना हो गया 80, 5 into 10 50, 3 into 8 24, 2 into 10 20, यह आ गया जी। फिर P1 into Q1, 6 into 30, ये 6 है, ये 6 है, 6 into 30 कितना हो गया 180, 38 into 4, 32, 4 into 6, 24, 15 into 2, 30. यहाँ तक क्लियर है? P0 into Q1, P0 into Q1, 4 into 30, 120, 5 into 8, 40, 3 into 6, 18, और 15 into 2, कितना हो गया 30. अब इन सबका टोटल करेंगे, 120 प्लस 40 कितना हो गया 160, 160 प्लस 52, 212. ठीक है नी, ये किसका टोटल आया P1 Q0 का सबमिशन। फिर 80 प्लस 50 130, 130 प्लस 44 174, ये किसका टोटल आया सबमिशन ऑफ P0 Q0, 180 प्लस 30 210, 210 प्लस 56 266, ये किसका टोटल आया समीशन ऑफ P1 Q1 का। ठीक है जी, 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 48 208, ये किसका टोटल आया समीशन ऑफ P0 Q1 का। हाँ जी, यहां तक क्लियर है, टोटल कर लिया, स्टेप समझ आ गए। अब फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहे, लेस पेस मेथड, पेशेस मेथड,
और फिशर्स मेथड। फॉर्मूला क्या था? P1 अपॉन P0। L पहले आता है, पहले की क्वांटिटी Q0। पैशियस बाद में आता है, बाद की क्वांटिटी Q1। समीशन लगा दिया इनटू 100, ठीक है नी। और फिशर्स तो मैंने बताई दिया कैसे निकालने। अब चेक करो, वैल्यू पुट करो जी। P1 Q0 की वैल्यू कितनी है? 212। P0 Q0 की वैल्यू कितनी है? 174 इनटू 100। अब ये कैलकुलेट करने, बताओ जी इसकी वैल्यू कितनी है? 266 अपॉन 208 इनटू 100। ठीक है जी, चलिए देख करते हैं। अब सोल्व करते हैं मेरे साथ साथ। देखो जी ये सोल्व करना है, ठीक है। तो 21200 तुम अलग से करना है, कैलकुलेशन तुम्हें शो करनी है इससे कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम अलग से करना। 174 ये वन आ गया, कितना हो गया? 26 प्लस 12 8 10 कितना आ गया? 380 आ गया, कितना आ गया? 380। अब 170 इंटू 2 करो, 170 इंटू 2 करो ये कितना हो जाएगा? 174 इंटू 2 करो, 174 इंटू 2 करो 348 आ रहा है, ये आ गया 348, 2 हो गया, ये कितना हो गया? 32, 320 हो गया। 1 पे जाएगा, बस मैंने यहाँ तक किया, कुछ नहीं करना होगा। तीन वैल्यू निकाल लिए, पॉइंट्स में देना। 121 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू 2600 208 से पहला 1, 208 आ गया, 8 5 58, 580 आ गया। ये 2 पे जाएगा, 3 पे जा नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 208, 416। ये कितना आ जाएगा? 4 7 में से एक गया, 6 164, यानी 1640 1640 आ गया। 1640 208 इंटू 8, 8 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 208 7 पे जाएगा। ये कितनी वैल्यू हो गई? 127। अब मैं फिशर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो आपको क्या करना है, फिशर का क्या करना है? फॉर्मूला पूरा लगाना है, फिशर का क्या करना है? पूरा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? अंडर रूट क्या होता था? समीशन ऑफ P1 Q0, समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू समीशन ऑफ P1 Q1, समीशन ऑफ P0 Q1 इनटू 100। मैंने फॉर्मूला तो पूरा लगाया फिशर का, अब वैल्यू भी पुट कर दी। देखो वैल्यू 212, 174 इनटू 266, 208 और लास्ट में इनटू 100। लेकिन अगर मैं इसे सोल्व करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे पास इतना टाइम रहा नहीं। मैं सिंपल क्या करूंगा, L plus P डिवाइड बाय 2, 121 प्लस 127 डिवाइड बाय 2, 248 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया? 124। मैंने यहाँ सीधा आंसर लिख दूंगा, 124। कैसे किया मैंने आंसर, कैसे निकाला? L प्लस पी डिवाइड बाय 2, 121 प्लस 127 डिवाइड बाय 2, सीधा आंसर 124, और यही निकल के आएगा। ये होता है शॉर्ट, समझ आ गया? लेस पे पेशियस फिशर्स, समझ आ गया? 6 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6 नंबर। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो इस पे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, वो भी पेपर में आता है, अभी मदर्स ग्लोबल में वो आया है, उन्होंने वही दिया क्वेश्चन, बस आपको ना कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा देखो। समझ आ गया सबको? देखो जी ये लास्ट क्वेश्चन करो, चैप्टर पूरा क्लियर, ऑल क्लियर।
इसके बाद एक छोटा सा कंज्यूमर वेलफेयर वो बता दूंगा सीपीआई का भी। देखो जी, हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है 2013 और यहाँ सॉरी 2011, यहाँ दे रखा है 2012, 2011 2012 पेपर में कुछ नहीं लिखा हुआ। 2011 क्या बन जाएगा बेस ईयर और 2012 क्या बन जाएगा करंट ईयर। ये बेस ईयर और ये क्या बन जाएगा करंट ईयर। ये 2011 क्या बन जाएगा बेस ईयर, 2012 क्या बन जाएगा करंट ईयर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका जो प्राइस होगा वो क्या बन जाएगा पी जीरो। और इस क्वेश्चन में मेरे को क्वांटिटी नहीं दे रखी, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल वैल्यू। एक निशानी बता दो, क्वांटिटी हमेशा यूनिट में होती है, टोटल वैल्यू किसमें होती है रुपीस में। ये दे रखी है मेरे को 12, 8 और 2, ये दे रखी है 60, 24 और ये क्या दे रखी है 6, ठीक है जी। ऐसे ही अब 2012 में क्या दिया हुआ है, 2012 में दिया हुआ है हमें क्वांटिटी दे रखी है, 2012 में दी हुई है, याद रखना 2012 में क्वांटिटी दी हुई है। तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी Q1 कितनी दे रखी है 3, 2, 4 और 2012 में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है एक्सपेंडिचर दिया हुआ है रुपीज में, ये दे रखा है 90, 30 और 12। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मेरे को इस क्वेश्चन को करना है सोल्व। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। इधर देखना बच्चों, अब मेरे को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, मैं कैसे करूं, ना मेरे पास इसकी क्वांटिटी ना इसका प्राइस है, ठीक है जी। अब करूं तो करूं कैसे, तो मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, जब भी टोटल वैल्यू या टोटल एक्सपेंडिचर कुछ भी वर्ड दिया हो तो प्राइस इंटू क्या होती है क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू दे रखी है ये क्या दे रखी है, ये जो टोटल वैल्यू दे रखी है क्या डिनोट कर रही है। तो टोटल वैल्यू जो मेरे को डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है P0 × Q0, ठीक है जी। टोटल वैल्यू क्योंकि बेस ईयर का है तो बेस ईयर की टोटल वैल्यू कैसे निकली होगी, इसका प्राइस इंटू इसकी क्वांटिटी। तो मुझे ये दे रखा है P0 × Q0। अच्छा, ऐसे यहाँ दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर, ये क्या दे रखी है क्वांटिटी, ये रुपीज में। तो टोटल एक्सपेंडिचर जब भी दिया होगा वो कैसे निकला होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी से निकला होगा। अब ये किसका है करंट ईयर का, तो ये क्या दिया रखा है P1 × Q1, यानी इसमें P1 Q1 दिया हुआ है, P0 Q0 दे रखा है। अब मुझे और क्या चाहिए, ये तो चाहिए, इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, P0 Q1 ये चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, Q1 P0 Q1। देखो और मेरे को क्या चाहिए, और मुझे चाहिए P0 तो हो गया ना, P1 Q0 चाहिए और P1 Q0 चाहिए, ये मेरे को दो चीजें चाहिए। अब ये दो चीजें मेरे को चाहिए और ये मेरे को दे रखा है। अब मेरे को ये निकालने के लिए बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्या चाहिए क्वांटिटी, तो मैं क्या करूंगा ये अपॉन ये कर दूंगा, तो मेरी क्या निकल जाएगी बेस ईयर की क्वांटिटी। तो बताओ जी Q0 यानी बेस ईयर की क्वांटिटी वो कैसे निकलेगी, P0 Q0 डिवाइड बाय क्या कर देंगे P0। तो बताओ 60/12 कितना हो जाएगा 5, 24/8 क्या हो जाएगा 3, 4/2 कितना हो जाएगा 2, Q0 निकाल। अब इसका मेरे को प्राइस नहीं दे रखा तो मैं यहाँ P1 निकाल लूंगा। बताओ मैं P1 कैसे निकाल लूंगा, P1 Q1 दे रखा है और Q1 दे रखा है, तो P1 Q1 को किससे डिवाइड कर दूंगा Q1 से, तो P1 आ जाएगा 90/3 30, 30/2 15, 12/4 3, ये आ गया। अब P0 × Q1 निकाल लो, क्या कर लो P0 × Q1, ये निकालना था ना, देखो जो जो चाहिए था मैं वो निकाल लूंगा। एक क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में P0 × Q1, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, 2 × 4
एट आवर। ये मेरे पास क्वेश्चन में आ गई वैल्यूज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा और क्या चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में, पी वन क्यू वन तो मेरे को दे ही रखा है, और क्या चाहिए था, पी वन क्यू जीरो, क्या चाहिए था, पी वन क्यू जीरो। तो पी वन मैंने अभी निकाला है, इंटू क्या चाहिए था, क्यू जीरो, यानी इन दोनों को क्या करना है, इंटू। ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 6। हाँ जी आ गया, अब इनका टोटल कर लो बस। ये हो गया 195 प्लस 6 201, 36 प्लस 8 44, 44 प्लस 16 60 हो गया। और ये मेरे को दे ही रखा था इस क्वेश्चन में, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 12 142, ये कितना हो गया 90। यानी समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो आ गया, समेशन ऑफ पी वन क्यू वन आ गया, समेशन ऑफ पी जीरो क्यू वन आ गया, और समेशन ऑफ पी वन क्यू जीरो आ गया। यही चार चीज चाहिए होती है फॉर्मूले के लिए, ठीक है जी। अब अपना क्वेश्चन निकाल लो लेस स्पेस से, बताओ लेस स्पेस का फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ पी वन क्यू जीरो अपॉन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। सीधा वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू है इस क्वेश्चन में, ऐसे फिशर से निकालना था, लेकिन लेकिन मैं तीनों सिखा रहा हूँ। बताओ जी पी वन क्यू जीरो कितना निकल के आया, 201। पी जीरो क्यू जीरो कितना दिया हुआ था, नंबर दिया था 90 इंटू 100। पी पैसे से क्या होता है, समेशन ऑफ क्या होता है, पी वन क्यू वन अपॉन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू वन इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 142 अपॉन में 60 इंटू 100। अब सोल्व कर लो, सोल्व करते हैं जी, पेपर में तुम मत सोल्व करने बैठ जाना, ऐसे वर्किंग नोट में कर लेना। 90 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 180। 210 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 180 आ गया, फिर 300, 3 पे चला जाएगा 270। 223 निकाल के यहाँ सीधा लिख गया 223। ऐसे इसका करो 14200 डिवाइड बाय 60, 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 2 पे, कितना हो गया 120। अब ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा 16 into 3, ये कितना हो जाएगा 180, ये कितना आ गया 40, 400 आ गया। अब 400 कितने पे जाएगा, 5 पे 300 होता है, 6 पे जाएगा, ठीक है। ये आ गया सीधा वैल्यू 236। एक चीज याद रखना, 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी, 100 से ऊपर जितनी भी क्या आएगी, वैल्यू, 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी वो किसको शो करेगी, प्राइस की चीज, 100 से ऊपर जितनी। और याद रखना इंडेक्स नंबर को, आंसर जब लिखते हो ना तो ये आंसर ऐसे लिखना P01, इंडेक्स नंबर को P01 से डिनोट करते हैं, कई बच्चे LP लिख के आ जाते हैं, इंडेक्स नंबर को P01 से करते हैं। अब मुझे फिशर का निकालना है, तो पहले मैं फिशर का क्या करूंगा, पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, समेशन ऑफ P1 Q0 P0 Q0 इनटू P1 Q1 P0 Q1 लास्ट में इनटू 100। और जुगाड़ हमारा, ये लिख के वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे, 201 अपॉन 90 इंटू 142 अपॉन 60 इंटू 100। अब ये करना कैलकुलेशन मुश्किल होता है, मैंने क्या जुगाड़ बताया था, L प्लस P डिवाइड बाय 2, तो 230 अप्रोक्सीमेट, ये कितना आ जाएगा 230 अप्रोक्सीमेट, ये कितना आ गया 230 अप्रोक्सीमेट, समझ आ गया पक्का। ये थे लेस पे पैसे फिशर्स वाले, ठीक है जी। अब मैं ना एक थोड़ा सा छोटा सा एक चीज बता दूं, जैसे CPI, देखो तुम्हें ना ऐसे दे देंगे, एक मिनट, तुम्हें ना ऐसे दे देंगे क्वेश्चन में दे देंगे कि एक फैमिली है, पहले वो खर्च करती थी 200 रुपए, अब उसका खर्चा बढ़ के हो गया 300 रुपए, बताओ कितना परसेंट उसके खर्चों में चेंज आए, यानी तो कैसे निकालेंगे, जितना चेंज आ रहा है अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है। याद रखना पुराने को हमेशा रियल कहते हैं और नए को हमेशा क्या बोलते हैं, नॉमिनल, या बेस कहते हैं
या करंट कहते हैं, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा ऐसे पूछ परसेंटेज। या तुम्हें ऐसे दे देंगे कि हम पहले 200 रुपए खर्च करते थे, इन्फ्लेशन हो गया 10% से, ये देखो एक मिनट, 200 था 300 हो गया, कितना परसेंट इन्फ्लेशन हुआ कंट्री में? पहले 200 रुपए में चीज मिलती थी, अब 300 रुपए में मिलती है, कितना इन्फ्लेशन हो गया? 100 रुपए महंगी हो गई चीज, 100 रुपए क्या हो गई? महंगी हो गई। कितने पे महंगी हो गई? 200 रुपए बेस पे। कितना परसेंट हो गया? 50% इन्फ्लेशन। तो इससे निकल गया था इन्फ्लेशन। ऐसे तुम्हें दे देगा 200 रुपए की कोई चीज है, इन्फ्लेशन हो गया 10%, तो बताओ वो चीज कितने की पड़ रही है? 220। एक नंबर में आते, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अच्छा बच्चों, सबसे अच्छा मेथड किससे बोला जाता है? फिशर मेथड को आइडियल मेथड बोला जाता है। क्यों? याद रखना, फिशर मेथड को आइडियल मेथड बोला जाता है। क्यों सर? क्योंकि उसमें लेस पे और पेशियस दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? आइडियल मेथड भी बोलते हैं। फिशर मेथड को क्या नाम देते हैं? आइडियल मेथड। याद करने का तरीका समझ आ गया? सर एक बार ना वो जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो भी दिखा दो। तो देखो बच्चों, सिंपल वाले क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव से करो। सिंपल एग्रीगेटिव में कुछ नहीं करना, P1 का टोटल डिवाइड बाय P0 का टोटल। तो P1 का टोटल 16, P0 का टोटल, सॉरी 2010 है, 2010 क्या हो गया? P0 का टोटल, और 2015 क्या है? P1 का टोटल। तो P1 कितना है? 22, P0 कितना है? 16। तो 22/16 × 100, ये बन गया सिंपल एग्रीगेटिव। कुछ करना था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आप इसे निकालो प्राइस रिलेटिव मेथड से। किससे निकालो? प्राइस रिलेटिव, एक मिनट सॉरी, इधर देखो, कह रहा है प्राइस रिलेटिव मेथड से निकालो। तो प्राइस रिलेटिव मेथड में क्या करना होता है? P1/P0 × 100 हर लेवल पे करना। सिंपल एग्रीगेटिव में कुछ नहीं करना, टोटल डिवाइड बाय इसका, तो क्या करना पड़ता है? P1/P0 × 100 हर लेवल पे करना, ठीक है जी। ये था अनवेटेड और वेटेड, मैंने आपको सब समझा दिए, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होता है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका